zombie apocalypse. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल तेज सिविल कॉन्टेक्ट। दोस्तों, आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक बहुत सारे लोग जो मेरे से बात करते हैं वो एक मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें ऐसा काम लेना है कि रोड पे जो इंटरलॉकिंग जो टाइल होती है वो बिछाने का काम लेना है, कोई कहता है हमें रोड बनाने का काम लेना है, कोई कहता है जी हमें सिर्फ पेंट का ही काम लेना है, कोई कहता है जी हमें सिर्फ लोहे का काम लेना है, जो फैब्रिकेशन होता है उसका काम लेना है, कोई कहता है कि हमें अलग अलग बहुत सारे काम हैं। क्योंकि दोस्तों, ये चीज़ें आप अपने दिमाग से सोचते हो और मैं आपको इसके लिए एक गाइडेंस देने वाला हूँ। ये गाइडेंस आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, अगर आप इसको मानते हो तो आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर नहीं मानते हो तो आपको हो सकता है बाद में जाके ये चीज़ों के लिए पछताना पड़े कि हमें एक्चुअली पता होता नहीं है और हम टेंडर उस हिसाब से कर लेते हैं कि हम टेंडर भर देंगे, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा भूल के भी आप ना करें। मैं आपको ये मेरी खुद की जानकारियाँ बताता हूँ दोस्तों, आप माने या ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने विवेक से निर्णय लें। मैं किसी को कोई बाध्य नहीं करता हूँ कि आप ऐसा काम करें या ना करें, मेरा इससे कोई लेना देना किसी का भी नहीं होता है दोस्तों। फिर भी मैं एक हेल्प करने वाला काम जो फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, अगर किसी की मेरे थ्रू हेल्प हो जाती है तो उसके लिए मैं आपको ये जानकारियाँ देता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये हम काम के बारे में सोचते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को जो आप नए हैं, जो आप रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हैं, अगर आपको इन बातों का ज्ञान नहीं होता है तो आप इस बात को किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। क्योंकि आप लोग इस बात को ऐसे सोचते हैं कि हमें सिर्फ इंटरलॉक का टाइल जो होती है उसका ही काम लेना, तो हम इसी पे बात करते हैं। थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन हो सकता है आपके ये 5 मिनट आपको आगे फंसने वाली परेशानी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जो सरकारी टेंडर निकलते हैं उसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा होता है अगर आप रोड का काम करते हो तो रोड में अलग अलग काम होते हैं। एक CC का रोड होता है, एक रोड होता है जिसको तार पोल बोलते हैं या बिटुमिन्स भी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। मैं आपको सिर्फ हिंदी में समझाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इन बातों को हिंदी में समझते हैं, इसलिए आपकी हेल्प के लिए मैं हिंदी में बात करता हूँ आपसे। तो बिटुमिन्स जो होती है उसको ये तार पोल को बोलते हैं, जो इसको डम्बर भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, जो काला वाला होता है, तो इसका रोड भी बनता है। तो दोस्तों, अगर ये रोड आपका ऐसे बनता है, अगर उसके अंदर भी आपको एक पैच वर्क का काम भी होता है, उसमें क्या होता है, पैच वर्क में सिर्फ ऐसा होता है कि जहाँ कहीं रोड टूट जाता है, जो डम्बर वाला रोड होता है, तो उसके अंदर जगह जगह जो गड्ढे हो जाते हैं उसके अंदर आप पैच वर्क यानी कि जो गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, उसमें ये बिटुमिन्स प्लस रोड ही ये डाल के उसको सही करते हैं। तो कहीं पर ऐसा काम निकलता है, कहीं पर पूरा रोड का काम होता है। तो दोस्तों, इसको इस तरीके से जानते हैं हम, जो काम निकलता है रोड का, अगर पूरा रोड बनना है तो उसके अंदर आपको मिट्टी की भी वो रेट देनी पड़ती है कि मिट्टी भरी जाएगी या दूर से आएगी या साइड से मिलेगी, तो ये चीज़ें आप इनको ज़रूर जान लें। अब उसके बाद में आपके पास जो रोड़ी आती है जिसको हम मोरम भी बोलते हैं, ये रोड़ी भी GSP वगैरह जो आती है इनको हम डालते हैं, इसकी भी रेट जाती है। उसके बाद में हमारे बिटुमिन्स जो होती है वैसी रोड़ी है, उसकी भी रेट जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ें यानी कि एक टेंडर में रोड के काम के अंदर कई चीज़ें होती हैं, कई आइटम बनते हैं और उनकी अलग अलग रेट होती है दोस्तों। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं कि इंटरलॉकिंग टाइल के बारे में, क्योंकि लोगों को जो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ इंटरलॉकिंग का टाइल
टाइल का काम लेते हैं तो हम इसको कैसे, तो मैं फिर आपसे कह दूँ इसके अंदर भी सिर्फ टाइल टाइल बिछाने का काम नहीं होता, इसके अंदर हो सकता है आपको मिट्टी में बिछाने के लिए मिले, हो सकता है आपको मसाले में बिछाने के लिए बोलें, हो सकता है आपको जो रेता होता है जिसको जमुना सैंड बोलते हैं उसमें बिछाने के लिए कही जाए, तो ये अलग अलग आइटम बन जाते हैं दोस्तों आपके, उनके साथ में टाइल के साथ में ये भी काम होता है। और दूसरी बात, ये सारी चीज़ें आप सोचते हो कि हम इनको लगा देंगे और ये लेबर रेट का काम है, दोस्तों नहीं, जितने भी काम ये होते हैं अगर आप खुद टेंडर उठाते हो तो ये विद मटेरियल काम होता है। विद मटेरियल का मतलब आपका इसमें सारी चीज़ें आपको खरीदनी पड़ेगी, इसमें लगाने का भी काम आपका होगा, माल मटेरियल आप खरीद के लाओगे वो भी काम आपका ही होगा। इसी तरीके से और बहुत सारे काम हैं, जैसे अब आ जाते हैं मेंटेनेंस के काम में या बिल्डिंग के काम में, जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है उसकी बात कर लेते हैं, उसके अंदर भी दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी जैसे बिल्डिंग के काम के अंदर जो बाहर का एरिया होता है, ओपन एरिया, बहुत सारा एरिया होता है, ग्राउंड वगैरह होता है या रोड होता है बीच में, उसके अंदर भी टाइल का काम निकलता है, इंटरलॉकिंग टाइल का, तो वो टाइलें भी उसके साथ में होती हैं। तो दोस्तों होता क्या है, टेंडर के अंदर ये काम सारे छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, एक इंटरलॉकिंग टाइल का काम हो गया, प्लस उसके अंदर प्लास्टर का काम हो गया, जो मेंटेनेंस में प्लास्टर आपको, जैसे अगर कोई प्लास्टर ख़राब हो गया उसको छुड़ाना, फिर उसके बाद प्लास्टर करना, फिर उसके बाद पेंट पॉलिश का काम करना, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, जैसे आपका शीशा है, कहीं विंडो में शीशा टूट गया तो वो लगाना होता है, हो सकता है आपके दरवाजे ख़राब हो गए हों पुराने वाले हैं तो उन दरवाज़ों को निकालना पड़ेगा, विंडो है तो उनको निकालनी पड़ेगी, नई विंडो आपको या तो लकड़ी की लगा सकते हैं तो लकड़ी का काम अलग से हो जाता है, हो सकता है उन विंडो को लोहे के में, जो लोहे होता है आयरन, उसमें भी लगा सकते हैं तो उसका अलग रेट होता है। यानी दोस्तों आप इस बात को इस तरीके से समझ लें कि एक काम स्पेशली बहुत कम निकलता है बाई दबे, जैसे कोई एकाधिक काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंटरलॉकिंग टाइल का काम निकलता है, या फिर कहीं पेंट का काम है वो भी कोई सिंगल में है बाई दबे निकलता है, ऐसा ज़्यादातर काम नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये काम ऐसे हैं जिसके अंदर टेंडर के अंदर बहुत सारे कामों को मिला करके निकाला जाता है। हाँ, ये पेंट का जो काम है थोड़ा सा ये ज़रूर निकलता है कि बिल्डिंग का जो भी वाइट वॉश वगैरह होती है सरकारी बिल्डिंगों में, तो ये काम ज़रूर निकलते हैं, तो इनको आप फिर भी कर सकते हो, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत सारे काम मिक्स में निकलते हैं दोस्तों, यानी कि एक टेंडर में 10 से 15, 20, 30 आइटम बन जाते हैं। तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन बनवाने की सोच रहे हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक काम की जानकारी लेके आप ये काम ना कर बैठें कि हमें इंटरलॉकिंग का काम मिल रहा है और हम इसको टेंडर को उठा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आप विशेष ध्यान रखें, मैं सिर्फ आपका गाइडेंस करता हूँ, तो आप लोगों तक ये बातें मेरा पहुंचाने का काम था जो मैं आपको पहुंचाता हूं। और आप ऐसी सारी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मैंने PWD से या प्राइवेट ठेकेदारी से संबंधित बहुत सारे जो वीडियो हैं अब तक कम से कम मैं 60-70 वीडियो में आपको डाल चुका हूं, आप उनको देखें और आपकी नॉलेज बढ़ाएँ। फिर मैं कहता हूँ आप रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस बनवाने से पहले इन चीज़ों की बहुत बारीकी का ज्ञान प्राप्त कर लें, आपको प्रैक्टिकल ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है, लेकिन वो प्रैक्टिकल ज्ञान ज़रूरी है, इसके बावजूद आपको टेंडर्स के ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है, नहीं तो दोस्तों बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है जल्दीबाजी में आदमी बहुत सारे काम कर बैठते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिया जी, ये कर गया, वो हो गया, उसके बाद में आदमी फंस जाता है, फिर कहता है यार हम तो इस तरीके से फंस गए। तो दोस्तों मैं फिर कहता हूँ आप रजिस्ट्रेशन के बारे में बाद में सोचें, पहले अपना सारी जानकारी इकट्ठी कर लें, काम कैसे होता है, कौन कौन से टेंडर निकलते हैं, टेंडर हमें कौन से भरने हैं, टेंडर इतने निकलते हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन हमें सिर्फ हमारे नॉलेज वाले
जो टेंडर का काम हम जानते हैं उसको ही भरें, ना कि और कोई टेंडर भरें। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस काम का विशेष नॉलेज लेके और फिर ये टेंडर भरने की सोचें, रजिस्ट्रेशन करवाने की सोचें। दोस्तों, अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन वीडियो को देख के और उसके बाद में मेरे से आप कमेंट करें, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल तेज सिविल कॉन्टेक्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।